हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 18 अप्रैल 2016 में जो एग्जाम हुआ है और फर्स्ट शिट में, उसमें जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आप अभी घर पे अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी कंटिन्यू रखिए क्योंकि एग्जाम भी अब थोड़े दिन में हो ही जाएगा, तो अब तैयारी कंटिन्यू रखिए अपनी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने इसे लॉन्च किया था, फेसबुक को। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत, लीवर को प्रभावित करता है सिरोसिस रोग। और ये सिरोसिस किस कारण होता है? तो ये अल्कोहल के कारण होता है। और लीवर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, मतलब लीवर का जो स्टडी होती है, लीवर की स्टडी होती है हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी होती है लीवर की स्टडी होती है। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिसका 1.5 से 2 किलो के बीच वजन होता है। और लीवर जो मतलब कि ये बाइल जूस रिलीज होता है लीवर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट चाक का रासायनिक नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और डॉवसन इकाई जिससे ओजोन परत मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसको कैलोरी में मापते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में मतलब एक वयस्क के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है, लेकिन जो लेडीज़ होती है उनमें थोड़ा 1 या 1.5 लीटर कम होता है। तो अब थोड़े से वो ब्लड के बारे में देखते हैं। जो ब्लड का पीएच होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। और जो ब्लड है ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो पहली वीडियो में बताया था, जो तरल संयोजी ऊतक है वो जो ब्लड है। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब जो ब्लड है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जो कि ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, और जो मतलब सॉलिड पार्ट होता है वो होता है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स यानी कि जो 45% होता है, जिसमें आ जाती है RBC एंड WBC प्लेटलेट्स। अब थोड़ा RBC के बारे में पढ़ लेते हैं। RBC होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्शन है जिसकी ऊट और लामा की RBC में केंद्रक पाया जाता है। और RBC में ही एक हीमोग्लोबिन, मतलब RBC में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक मेटल भी पाई जाती है जो कि आयरन। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आयरन पाई जाती है। अब देखते हैं WBC जो कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है, जो हमें मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वो भी 5 तरह की होती है, जिसमें एक होती वो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो कि इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी बनाती है, जो कि जो हमारी बॉडी में जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन यानी कि वायरस बैक्टीरिया जो एंटर करते हैं उससे लड़ने के लिए पावर जो बनाती है वो लिम्फोसाइट बनाती है। और ऐसी होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट जब डेंगू हो जाता है किसी को तो उसके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो गेम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रॉल्फ बेयर को जाना जाता है वीडियो गेम के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो विलो लकड़ी का यूज़ किया जाता है क्रिकेट का जो बल्ला बनाने में, जो बैट होता है मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसे मतलब किसे हराया या किससे लड़ा वो? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ये 14 जनवरी 1761 को हुआ। और अब इसी तरह कई मतलब पहला भी युद्ध हुआ था, दूसरा भी युद्ध हुआ था, अब वो भी देख लेते हैं। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अब ठीक उसी तरह पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था, ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और तीसरा भी हुआ था पानीपत का जो क्वेश्चन में बताया गया, भी 1761 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट इसकी बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये हैरी ब्रियरल के द्वारा आविष्कार किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था, और बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM की फुल फॉर्म क्या है? ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टॉलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म ATM की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के प्रथम राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो अनुराधापुर इसकी राजधानी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का कुचालक क्या है? तो उष्मा का कुचालक लकड़ी।
ये उष्मा का कुचालक लकड़ी होती है। अब आप ये भी पता होना चाहिए आपको कि उष्मा का सुचालक यानी कि विद्युत का सुचालक या उष्मा का सुचालक क्या होता है। जैसे कि वो होती है सिल्वर, जो कि चांदी, चांदी होती है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सबसे अच्छा सुचालक होती है चांदी। दूसरे नंबर पर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, टंगस्टन होती है। और ऐसी होती है जो मेटल होती है वो मतलब कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, और अघातवर्तनीयता और तन्यता होती है, चमकदार होती है मेटल जितनी भी होती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो ये बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे, जो 2022 के राष्ट्रमंडल गेम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि, केरल का तटवर्ती शहर, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महान अशोक मतलब सम्राट अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया। ये काफ़ी मतलब कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया, तो अशोक, महान अशोक के द्वारा बनाया गया। तो मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।